दोस्तों जे उसो अब ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को मजबूर कर रहे हैं कि रोमन रेंस उन पर अटैक करे, क्योंकि ब्लड लाइन के कई मैचेस और सेगमेंट में जे उसो नज़र नहीं आए थे। और दोस्तों जब सेमी जान ने रोमन रेंस पर अटैक कर दिया था रॉयल नंबर में, और उसके बाद पूरी ब्लड लाइन ने अटैक किया था सेमी जान पर, लेकिन दोस्तों वहाँ पर जे उसो ने अटैक नहीं किया था सेमी जान पर, और वो रोमन रेंस को आंखें दिखाकर रिंग छोड़कर बैक स्टेज चले गए थे। तब से ब्लड लाइन रिकवर नहीं कर पाए हैं, और एलिमिनेशन चैम्बर में भी जे उसो आ गए थे सेमी जान को बचाने के लिए। और जब रोमन रेंस ने जे उसो को अटैक करने के लिए कहा सेमी जान पर, तब वो अटैक नहीं करते हैं सेमी जान पर, और उसके बाद रोमन रेंस ने सबके सामने जे उसो के ऊपर गलत बर्ताव किया। तो दोस्तों जे उसो खुद के ऊपर इतना गलत बर्ताव के बाद वो कभी भी ब्लड लाइन में शामिल नहीं होंगे। और ट्रैवल चीफ रोमन रेंस ने यहाँ तक बोल दिया कि आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में मैं खुद आकर फेस टू फेस जे उसो से बात करूंगा, और अगर वहाँ जे उसो ने सबके सामने मुझे निराश किया तो अंजाम काफी बुरा होगा जे उसो के लिए। रोमन ने जिमी उसो के सामने जे उसो को एक वार्निंग दे दी। इसका मतलब यह है कि आने वाले स्मैकडाउन में अगर जे ने सबके सामने रोमन रेंस को इनकार कर दिया या फिर उन्हें निराश किया तो रोमन रेंस सबके सामने जे उसो पर काफी बुरी तरह से अटैक कर सकते हैं। और दोस्तों इस अटैक के बाद हमें जिमी उसो भी रोमन रेंस का साथ छोड़ते हुए दिख सकते हैं, और फिर उसोस मिलकर अटैक करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस पर। और दोस्तों हो सकता है कि आने वाले स्मैकडाउन में हमें ब्लड लाइन की एंडिंग भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रोमन रेंस अटैक करेंगे जे उसो पर या नहीं, आप हमें एक प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।